देखो गाइस, मुझे पता है कि आप जो है वो बहुत ज्यादा जल्दी में हो, क्योंकि आपने जो स्टेटस अपने व्हाट्सएप में डाला था, जो कि आपने गलती से डाल दिया था और इसके बाद जो है आपने उसको डिलीट कर दिया था, फिर भी जो है वो जो स्टेटस है वो जीबी व्हाट्सएप या फिर यो व्हाट्सएप यूजर जो है वो आराम से देख रहे हैं। हो सकता है कि आपकी कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, कुछ सेंसिटिव फोटोज या फिर वीडियो जो है आपने गलती से अपने स्टेटस पर डाल दिए थे और वो जो स्टेटस है वो अभी परमानेंटली डिलीट नहीं हो रहा है, नॉर्मल यूजर जो है उसे नहीं देख सकते हैं, लेकिन जीबी व्हाट्सएप या फिर यो व्हाट्सएप जैसे यूजर जो है उसे आराम से एक्सेस कर सकते। तो इस वीडियो को जो स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इसका एक सॉल्यूशन बताने वाला हूं, जिसको फॉलो करने के बाद जो है वो परमानेंटली सभी चीजों से जो है डिलीट हो जाएगा, कोई भी पर्सन जो है वो आपका स्टेटस नहीं देख पाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूं, आपको जो है एग्जैक्टली वही फॉलो करनी है। इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि ऐसे ही टेक्निकल वीडियो जो है मैं लाते रहता हूं। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। मेरा नाम है अविराज, आप देख रहे हैं कंटेंट हैक। चलिए गाइस, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पे जो है हमारे पास दो फोन्स अवेलेबल है। तो मान लीजिए कि ये जो फोन है ये आपका फोन है और ये जो फोन है ये किसी थर्ड पर्सन का है, जो जीबी या फिर यो व्हाट्सएप यूज करके आपके डिलीटेड स्टेटस को भी देख सकता है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं कि इस वाले फोन से जो है एक स्टेटस अपलोड करेंगे और अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से जो है उसे परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं, जिसके बाद कोई भी यूजर, फिर वो चाहे जीबी व्हाट्सएप या फिर यो व्हाट्सएप ही क्यों ना यूज कर रहा हो, उसको जो है वो स्टेटस कभी भी नहीं दिखेगा। तो चलिए दोस्तों, अभी हम क्या करते हैं कि इस वाले फोन से जो है एक स्टेटस अपलोड कर देते हैं। तो चलिए, हमने जो है यहाँ पे स्टेटस बार में आ चुके हैं, यहाँ पे जो है माय स्टेटस पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे एक सिंपल जो फोटो है उसे जो है स्टेटस पर लगा देते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने जो है ये जो फोटो है ये यहाँ से स्टेटस पर लगा दिया है और अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि कोई भी जीबी व्हाट्सएप या फिर यो व्हाट्सएप यूजर जो है उसे आराम से देख सकता है, उसे जो है आराम से देख के एक्सेस कर सकता है, उसे डाउनलोड भी कर सकता है। चलिए दोस्तों, अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो है फिर से एक फोटो अपलोड कर देते हैं, फिर से जो है वही फोटो अपलोड कर देते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इस वाले फोटो को जो है अपलोड होने के बाद, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो फोटो है ये दोनों अपलोड हो चुके हैं, लेकिन अभी हम क्या करेंगे कि इस दोनों फोटो को जो है यहाँ से डिलीट कर देंगे। ये दोनों फोटो डिलीट होने के बाद जो है अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे माय स्टेटस पर जो है कुछ भी नहीं शो कर रहा है, यानी कि हमने जो है यहाँ से जो है ये जो स्टेटस है ये डिलीट कर दिया है, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पे जो जीबी या फिर यो व्हाट्सएप यूजर जो है उसे आराम से देख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे आइकॉन देख सकते हो, यहाँ पे जो है एक स्टेटस जो है इसने अपलोड किया था जो कि जस्ट नाउ है, मतलब हमने डिलीट कर दिया था, फिर भी जो है ये स्टेटस यहाँ पे आ चुका है और ये जो स्टेटस है ये कोई भी पर्सन जो जीबी या फिर यो व्हाट्सएप यूज करता है वो देख सकता है। तो अभी जो है मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, जिसको फॉलो करने के बाद जो है ये स्टेटस परमानेंटली यहाँ से भी डिलीट हो जाएगा, मतलब कोई भी पर्सन जो है, फिर वो चाहे जीबी व्हाट्सएप यूजर हो या फिर यो व्हाट्सएप यूजर हो या फिर कोई भी व्हाट्सएप यूज करता हो, वो जो है उसे जो है देख नहीं सकेगा, उसे एक्सेस नहीं कर सकेगा। चलिए दोस्तों, अभी जो सबसे पहली स्टेप आपको करनी है वो ये है कि आपको जो है यहाँ पे चैट में आना है। चैट में आने के बाद जो है आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ थ्री डॉट्स देखने को मिलेंगे, आपको जो है उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे जो है आपको एक लास्ट में ऑप्शन आएगा सेटिंग्स का, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पे प्राइवेसी वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो है आपको थोड़ा स्क्रोल डाउन करना है, इसके बाद जो है आपको यहाँ पे सबसे नीचे की ओर ब्लॉक कॉन्टेक्ट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली चीज आपको ये करनी है कि आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, इसके बाद जो है यहाँ पे प्लस वाला आइकॉन के ऊपर क्लिक करना है और आपके जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं उसको जो है ब्लॉक लिस्ट में डालना है। लेकिन अगर जो है आपके कॉन्टेक्ट बहुत ज्यादा है, मतलब इतने हैं कि अगर आपको जो है ब्लॉक करने आप उसे बैठोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत ज्यादा देर हो जाएंगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट जो है आपको जो है यहाँ पे अपने फैमिली मेंबर को ऐड कर देना चाहिए। अगर नहीं किया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कर दिया तो अच्छा ही है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे ब्लॉक करके यहाँ पे बैक चले जाना है और बैक जाने के बाद जो है आपको फिर से बैक जाना है जब तक यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन नहीं आ जाता। इसके बाद जो है आपको यहाँ पे जो है अकाउंट का ऑप्शन आएगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पे डिलीट माय अकाउंट का ऑप्शन शो होगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पे पढ़ लेना है कि भाई आप जो है व्हाट्सएप पे जो है अपना अकाउंट डिलीट कर रहे हो, यहाँ पे जो है आपकी जो हिस्ट्री है, जो भी मैसेजेस है वो यहाँ से चले जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पहले जो है आपका जितना भी बैकअप है वो आप आराम से ले लीजिए, अपना अकाउंट जो है अभी आपको डिलीट करना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है अपना जितना भी बैकअप है, जो भी
इंपॉर्टेंट मैसेज है वो सबसे पहले स्क्रीनशॉट या फिर किसी भी तरीके से जो है ले लेने हैं या फिर अपने दोस्त को भेज देने हैं। इसके बाद जो है आपको दोस्तों यहाँ पे क्या करना है कि आप यहाँ पे जो है आपको अपना नंबर डाल देना है। अगर आप यहाँ पे अपना नंबर डालते हो तो इसके बाद जो है आपको यहाँ पे डिलीट माई अकाउंट का ऑप्शन शो होता है। तो आपको जो क्या करना है यहाँ पे जो है डिलीट माई अकाउंट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद जो है आपको यहाँ पे रीजन पूछा गया है, तो जो भी रीजन आपका है वो आप यहाँ पे डालोगे और यहाँ पे जो है डिलीट माई अकाउंट के ऑप्शन को जो है यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर से जो है आपको यहाँ पे डिलीट माई अकाउंट के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे जो है आपका जो अकाउंट है वो यहाँ से डिलीटेड हो चुका है। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि वो जो स्टेटस है वो यहाँ से डिलीट हो चुका है, पर वो जो है किसी को भी नहीं दिख रहा है और उसका जो अकाउंट है वो भी डिलीट हो चुका है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो अकाउंट है ये आप एटलीस्ट 24 आवर्स के बाद ही शुरू करें। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच।